एसटीपी में फूट को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी पर हमला बोला है जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए। और देखिए मुंबई में यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर ये निशाना साधा गया। बीजेपी की वॉशिंग मशीन जो है वो मुंबई में चली है, ये जयराम रमेश ने कहा। एजेंसियों का दुरुपयोग सीधे तौर पर बीजेपी कर रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक तस्वीर साझा करते हुए बाकायदा जयराम रमेश की ओर से ये ट्वीट यहाँ पर किया गया है। मोदी वॉशिंग पाउडर उन्होंने यहाँ पर तस्वीर में अपने ट्वीट में साझा किया और ये कहा कि मुंबई में अब वॉशिंग मशीन बीजेपी की चल गई है। ये जो आप इस जो तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट की गई तस्वीर है। उसमें लिखा है मोदी वॉशिंग पाउडर, सारे दांत चुटकियों में धुले, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी। ये जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है। दरअसल आपको बता दें कि कल जिस तरह से जो तमाम विधायक मंत्री बने हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिन पर लगातार जांच की जा रही है, ईडी की तरफ से जांच की जा रही है, आईटी की तरफ से एक्शन लिया गया है। फिलहाल अब जिस तरह का ये ट्वीट किया गया है निशाना साधा है जयराम रमेश।